हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक टुडे आई विल डिस्कस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीरेंट इन्फिनेटिव एंड जीरो इन्फिनेटिव किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है क्या सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स ठीक है तो वर्ब होती है वर्ब टू तो टाइप्स की हैं टू वर्ब एंड फॉल्स वर्ब ट्रू वर्ग कौन कौन सी होती है देखिए ट्रू वर्ग इज द वर्व दैट इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जिस वर्ग को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं या एडजस्ट करते हैं वो ट्रू वर्ब होती है और ट्रू वर्ग इज नियर द सब्जेक्ट जो भी वर्व सब्जेक्ट के पास में होगी वो ट्रू वर्ब होगी ठीक है याद रखिएगा कि जिस वर्ग को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं वो ट्रू वर्ब होती है और ट्रू वर्ग हमेशा सब्जेक्ट के पास में होती है नेक्स्ट है फॉल्स वर्ग

जीरण इन्फिनेटिव इज ए फॉल्स वर्ब देखिए यहाँ पे जीरेंट इन्फिनेटिव और जो जीरो इंट्रो ये तीनों ही फॉल्स वर्व है ठीक है मतलब होता है की की के साथ आई एनजी फॉर्म ठीक है अब जब जीरण फॉल्स वर्ब है तो हमेशा सब्जेक्ट से दूर आएगी ठीक है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ही लाइक्स सिंगिंग ही इसमें सब्जेक्ट है लाइक्स मेन वर्व है और सिंगिंग जो मेन वर्व है वो ट्रू वर्ब हो गई ठीक है और सिंगिंग ये हमारी फॉल्स वर्ब है फॉल्स वर्ब क्योंकि gerund में आईएनजी फॉर्म लगी है क्योंकि वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी है तो gerund है है सिंगिंग सिंगिंग नेक्स्ट दे लाइक अब देखिए यहाँ पे ही लाइक सिंगिंग था लाइक ट्रू वर्ब है तो हमेशा सब्जेक्ट के पास में होता है और इसको ही हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसे ही यहाँ पर सिंगुलर है तो लाइक्स भी यानी कि वर्ब जो है मेन वर्ब ये भी सिंगुलर है लाइक्स ठीक है और सिंगिंग फॉल्स वर्ब है ये हम आ, हमेशा सब्जेक्ट से दूर होती है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट से दूर है ये फॉल्स वर्ब है नेक्स्ट दे लाइक सिंगिंग ही लाइक सिंगिंग ठीक है इन्फिनेटिव टू प्लस वी जो इन्फिनेटिव का पैटर्न होता है वो होता है टू टू के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब uh, की फर्स्ट फॉर्म एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ही इज टू सिंग ही इसमें सब्जेक्ट है इज ट्रू वर्ब है और टू प्लस सिंग है यानी टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है तो ये इन्फिटिव है ठीक है इन्फिनेटिव भी फॉल्स वर्ग है क्योंकि ये जो है हमारा हमेशा फॉल्स क्या होती है सब्जेक्ट से दूर आती है ठीक है सब्जेक्ट से दूर होती है और उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे हैड टू सिंग जीरो इन्फिनेटिव यानी कि वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगती है ठीक है ही सॉ मी सिंग ही सब्जेक्ट है सो मेन वर्ब यानी कि ट्रू वर्ब है मी ऑब्जेक्ट और सिंग ये false verb है, ठीक है ये ये है, है, देखिए से दूर आ रहा ट्रू वर्ब सब्जेक्ट के पास है जो है है, है? के पास में ठीक नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जीरो इन्फिनेटिव होगा सी सीज मी सिंग यहाँ यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये सब्जेक्ट से दूर है तो ये फॉल्स वर्ब होगी ठीक है ये याद रखिएगा कि ट्रू वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पास में आती है और उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ठीक है subject, और जो फॉल्स वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट से दूर आती है और उसको चेंज नहीं करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ठीक है अब देखिए टाइप्स ऑफ फॉल्स वर्ब फॉल्स वर्ब कितनी कौन कौन सी होती हैं अभी इससे पहले मैं बता चुकी हूँ वैसे तो देख लेते हैं जीरन यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब के साथ आई एनजी फॉर्म ठीक है सेकेंड इन्फिनेटिव टू प्लस वी वन और जीरो की फॉर्म। ये तीनों फॉल्स ठीक है आज इस वीडियो में हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ठीक है आगे की वीडियोस में डिफरेंस वीडियो देख लेते हैं कि क्या क्या होता है वैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है लेकिन फिर भी देख लेते हैं ट्रू वर्ब और यहाँ पर फॉल्स वर्ब देखिए नियर द सब्जेक्ट

ठीक है याद रखिएगा ट्रू वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब क्यों क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब और और मेन ही ही सब्जेक्ट के पास में आती ठीक है और इनको ही हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टाइम एंड नंबर देखिए यहाँ पर ही सब्जेक्ट है इज ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तो इज को हम ही के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे जैसे ही सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर ही लगेगा तो यहाँ पर इज है नेक्स्ट है ही वॉन्ट्स टू सिंग ही सब्जेक्ट है वॉन्ट्स मेन वर्ब

जो वर्ग की सेकेंड फॉर्म है वर्ग की थर्ड फॉर्म और वर्ग की फिफ्थ फॉर्म और ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती है ठीक है नेक्स्ट है, फॉल्स वर्ब कैन नॉट कम विदाउट ट्रू वर्ब फॉल्स वर्ब कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आएगा मतलब फॉल्स वर्ब ट्रू वर्ब के बिना सेंटेंस में नहीं आएगा ठीक है फिफ्थ है कौन सा ट्रू वर्व सब्जेक्ट के बाद में आएगा ठीक है तो ये हमने डिफ्रेंस पढ़ लिया ट्रू वर्व और फॉल्स वर्व के बीच में कि क्या होता है तो आज हमने इस वीडियो में बेसिक इंट्रो लिया है किसका बेसिक इंट्रो दिया है किसका जीरन इंफिनिटी और जीरो इन्फिनेटिव का नेक्स्ट वीडियो में हम जीरो इन्फिनेटिव ठीक है तो बनी रहिए इस चैनल पे, ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक पे आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू